इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगे का, सजदा खालिक को भी, सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा, और तुम हया व शरीयत के तकाजों की बात करते हो, तुम हया व शरीयत के तकाजों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्मों को मलबूस हया देखा है हमने इहराम में लिपटे कई इब्लीस, हमने कई बार मेखाने में खुदा देखा है। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। जनाब स्पीकर साहब, अपोजिशन बेंचों की तरफ से बात हो रही है, समझ नहीं आती कि किस किस के ऊपर कौन कौन सी बात की जाए, कहां से शुरू किया जाए और कहां पे खत्म किया जाए। मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर अखलाकियात के बड़े भाषण दिए जाते हैं, कहा जाता है कि आप औरतों के ऊपर बात ना करें, कहा जाता है कि आप दुल्हा और बारातियों की बात ना करें, लेकिन आज मैं खुल कर बात करना चाहता हूं और बबंगे दहल करना चाहता हूं, इस फोरम के ऊपर करना चाहता हूं, चाहे कोई मुझे गैर महज्जब कहे, चाहे मुझे कोई गैर जमहूरी कहे या सियासी अकदार से नबलद, जहां पे मेरे लीडर और मोहतरमा बुशरा बीबी के ऊपर बात होगी, जादू टोनों की बात होगी, वहां पे मैं गैराज की बात करूंगा कि गैराज में क्या हुआ था, जहां पे जादू टोनों की बात होगी मैं ये कहूंगा कि हम बारात लेके गए थे, लेकिन वहां पे दुल्हन 25 साल के बजाय 70 साल की नानी निकली इसलिए वापस ले आ गए, जहां पे जादू टोने की बात होगी और बुशरा बीबी जो कि एक बाहया बापर्दा औरत है फिर मेरे सामने कोई तहजीब लाके ना दिखाए। हम तहजीब के अंदर बात करते हैं जहां पे 9 अप्रैल 2022 से लेके और 9 मई 2023 से लेके आज तक ऐसा मौका नहीं आया कि हमारे ऊपर जुल्म के पहाड़ ना तोड़े गए, लेकिन उसके बावजूद इस्तेकामत का पैकर बने हुए हैं। चेयरमैन इमरान खान को तकरीबन 14 माह होने को है, वो इस्तेकामत का पैकर बना हुआ है, भागा नहीं है, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना जो है उसको दवाइयों की जरूरत पड़ी है, ना लंदन भागा है, आज भी वो मर्द मुजाहिद, वो शेर का बच्चा, वो मुकाबला कर रहा है, वो अवाम की ताकत से मुकाबला कर रहा है। आज मैं आपके सामने और उन कुवतों के सामने जिसने उसको ललकारा है उनकी आंखों में आंखें डाल के उनके सामने बात कर रहा है और उनका मुकाबला कर रहा है। आप बात कर रहे हैं, आप उसके साथ जो है कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आप जो है एक बापर्दा औरत के ऊपर ऐसे जादू टोने की बात कर रहे हैं और ऐसे फ्लोर के ऊपर कर रहे हैं, हर उस शख्स को शर्म आना चाहिए। जनाब स्पीकर, वजीर आजम साहब इमरान खान, मैं आज भी उसको वजीर आजम तस्लीम करता हूं, वो और उसकी पार्टी, हमने ये निजाम स्टार्ट नहीं किया जो कि बार 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 दोहराई जा रहा है। 90s के ऊपर देखें, जब पीटीआई मारे वजूद में नहीं आई थी, पीली टैक्सी का लकब किसने दिया था, हेलीकॉप्टर से नंगी तस्वीर किसने गिराई थी, वो हमारी पार्टी ने नहीं गिराई थी, ये नूरा कुश्ती थी। मेरे लीडर ने तो तब भी कहा था कि ये मिले हुए हैं, ये आपस में मिले हुए हैं, ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, देखना जब मैं इनको चैलेंज करूंगा, जब हमारी ऊपर पार्टी ऊपर आएगी ये मिलेंगे, और फिर जो है इनके करप्शन के ऊपर जब मैं रोकूंगा उसके बाद ये आगे आएंगे और साथ में मिलकर जो है फिर मुकाबले पे आएंगे। जनाब स्पीकर, मैं जरा बात करूं इसराइल के ऊपर। मेरा कायद इसराइल की के ऊपर ही उसका स्टैंड था
कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं किया कि जिसके बुनियाद पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई। और इस ये तहरीक इंसाफ के एमपीएस और लीडर नहीं कह रहे, ये हामिद मीर साहब जो कि एक रिनाउंड सहाफी है, उसने अपने शोज के अंदर कहा हुआ है कि मैं इस चीज का सब गवाह हूं कि इमरान खान तस्लीम नहीं कर रहा था, और जब तस्लीम नहीं कर रहा था फिर ये चोरों और साजिशों का टोला लंदन जाके उस साजिशी के साथ बैठ के इन्होंने साजिश रचाई। इसराइल के नुमाइंदे वहां पे उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने वो गेम प्लान किया कि कैसे इमरान खान के गवर्नमेंट को टॉपल करना है, फिर कैसे इमरान खान को जो है जेल के अंदर डालना है, फिर 9 मई का ड्रामा रचाया गया। मेरा लीडर तो बरमला कहता है, यूएन असेंबली के फ्लोर पे कहता है कि मैं नहीं मानूंगा इसराइल को। कायद आजम मोहम्मद अली जना ने जो तायद की थी, जो बात की थी, उसके ऊपर आज हम आज भी खड़े हैं। मुझे आप बताएं, आप लोगों का क्या स्टांस है, जरा खुल के बताएं, आपकी लीडरशिप जरा बताएं, इसराइल के खिलाफ एक बात तो करें फिर मैं मानूं। सारे मिले हुए हैं जनाब स्पीकर, ये तोशाखाना की बात करते हैं। तोशाखाना हम ट्रायल दे रहे हैं, हमने डिक्लेयर किया हुआ है और वो हमने कानूनी तौर पे वो सारा रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। मुझे ये बताएं कौन से कानून के अंदर लिखा हुआ है कि आप तोशाखाना से गाड़ी ले सकते हैं। वो लोग जो कहते हैं कि लंदन तो छोड़े, पाकिस्तान में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर बाद में पता चलता है कि जनाबे वाला उन्होंने मर्सिडीज ली हुई है, जो कि कानून के अंदर आप ले ही नहीं सकते। दे दे उसका ट्रायल, दे दे अपना मिनी ट्रायल, जो आप जो है अरबों करबों रुपए इस पाकिस्तानी अवाम का लूट के बाहर लेके गए हैं, कोई जवाब नहीं मिलेगा। जनाब स्पीकर कारकर्दगी की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये असेंबली देखे, और मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि 3-4 को छोड़ के ये सारी असेंबली तहरीक इंसाफ की है। वो अलग बात है कि फॉर्म 47 के ऊपर लोग आए हैं और फॉर्म 47 के मदद से फिर रिजर्व सीटें भी आई हैं। बरमला कहना चाहता हूं, नहीं तो चैलेंज है, मेरी सीट खोल ले, सुहेल की सीट खोल ले, कादरी साहब की सीट खोल ले, 92 MPS की हर एक की सीट खोल ले, मैं चैलेंज करता हूं। आई चैलेंज करें, आप मुझे बताएं कि हम आपकी भी सीट खोल ले, और पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, कौन फॉर्म 45 के ऊपर है, कौन फॉर्म 47 के ऊपर है। आप चाहती है कि वहां पे एयर एम्बुलेंस है, वहां पे है कि शोएब मुझे जो है, मुझे तो यहाँ पे पानी दिखाई नहीं दे रहा, और नीचे जो है शोएब का पता नहीं है कि वो पानी के अंदर डूब चुका है। शोएब जो है, शोएब को दिखाई इसलिए नहीं दे रहा कि शोएब पानी के अंदर जा चुका है, सारा लाहौर तो पानी से भर चुका है, शोएब उसको कैसे दिखाई देगा। और कौन सी गाड़ी में बैठ के ड्रामे टिकटॉक के मतलब वो वहां पे जेमर्स लगे हुए हैं और वहां पे उनका मोबाइल काम कर रहा है, अजीब दास्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान का विजन है, और इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी है कि 2013 में भी आपको हराया, 2018 में भी आपको चित किया, और 2024 में वो हाल किया कि इंशाअल्लाह ताला अगली दफा आपकी जमानतें भी नहीं बचनी इंशाअल्लाह ताला। सर बाचा खान बाबा की बात की गई, कजीम लीडर, मेरा कायद उसे मानता है। खान अब्दुल समद खान की बात की गई, कजीम लीडर, मेरा कायद उसे मानता है। लेकिन इसके बाद जिनकी बात की गई और जिनको जमहूरियत का चैंपियन दिखाया गया, मैं मानने से कासिर हूं। सर जिनकी सियासत वो जनरल अयूब खान के बेडरूम से, उनकी लाइब्रेरी से स्टार्ट होती है, जिस चालाकी और शातिरी से उनकी लाइब्रेरी में एंट्री होती है, फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री मिलती है, फिर उसके बाद उसी के गवर्नमेंट को टोपल किया जाता है जिसको डैडी कहा जाता था। मैं ऐसी जमहूरियत को नहीं मानता कि ये जमहूरियत के अलंबरदार है। फिर नंबर 5वें को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाता है ताकि उसको प्रोटेक्ट करे, और वही जो है उसकी हुकूमत करा देता है। बात करें उसके ऊपर,
मैंने जब हमने जब स्टार्ट की बात आईन की कानून की, मैं तो ये समझ रहा था कि हम तो मेजॉरिटी पहली दफा इस असेंबली के अंदर आए हैं, हम शायद उस तरीके से बात ना कर पाए, उस तरीके से कन्विंस ना कर पाए। आप लोग बात करेंगे, कानून के ऊपर बात करेंगे, आईन के ऊपर बात करेंगे। मुझे तो हैरानगी हुई कि यहां पे हमें जवाब दिए जा रहे हैं, ओ भाई हमारे लिए ना करो, नंबर तुम्हारा भी आने लगा है, जितना पॉलिश तुमने देना है बूट को दो, जितनी चमक निकालनी है निकालो, इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि तुम भी इस चक्की के अंदर जो है पिसे जाओगे, फिर वो दिन तुम देखना और फिर तुम बोलोगे, फिर हम सुनेंगे नहीं। ये मौका है कि आईन और कानून के लिए आप सब खड़े हो जाए। शहादतें दी आपने, हम मानते हैं, लेकिन बात करें कि किसने शहीद किया, वो कौन था कि जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया, वो कौन था जिसने बेनजीर भुट्टो को शहीद किया। अपने आसपास देखे, राइट लेफ्ट देखे, आगे पीछे देखे, कहीं आप में से तो नहीं है कि जिसने उन्हें शहीद किया, जरा देखे आंखें घुमाए। हम तो मानते हैं कि उन्होंने शहादतें दी और हम उस पीपीपी को भी मानते हैं, लेकिन हम आज की पीपीपी को नहीं मानते, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल पार्टी थी और आज पाकिस्तान पर्ची पार्टी है। पर्ची पर्ची को हम नहीं मानती जो पर्ची के ऊपर जिसके चेयरमैन आए और वो हमें बात दिखाए। जनाब स्पीकर साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, प्रियम्बल के बाद इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं। मेरे मोजज मेंबरान दोस्त उसके ऊपर लपकुशाई नहीं करते, बल्कि सीधा चले जाते हैं 154 पे। पहले 154 का आपको बताऊं कि हम 10 प्लस लेटर्स लिख चुके हैं उस हुकूमत को कि जिसका सिर्फ ये मैंडेट है कि आपने इमरान खान को जेल में रखना है, बाकी कोई मैंडेट नहीं है, वो सीसीआई की मीटिंग नहीं बुला रहे। 10 प्लस लेटर्स लिख चुके हैं, लिहाजा अगर आपने ये 3, 4, 154 या बाकी आर्टिकल्स याद किए हैं तो ये आपके इल्म में होना चाहिए कि इसके ऊपर सूबाई हुकूमत अपना काम कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन का पोस्टमार्टम हो रहा है, आईने पाकिस्तान की दजिया उड़ाई जा रही है, आईने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया जा रहा है रात की तारीखी में, क्योंकि तारीख रातों में बारीक वारदातें करना चोर डाकुओं का काम है, अवामी नुमाइंदों का काम नहीं है। 2 बजे मीटिंग जी कैंसिल हो गई, 4 बजे मीटिंग जी कैंसिल हो गई, 6 बजे मीटिंग जी कैंसिल हो गई, 8 बजे मीटिंग जी कैंसिल हो गई, 10 बजे मीटिंग जी कैंसिल हो गई, और मौलाना फजल रहमान साहब के घर का यात्रा होता रहा, यात्रा होता रहा, यात्रा होता रहा कि किसी तौर पे हम आईने पाकिस्तान का पोस्टमार्टम करें। क्यों? क्योंकि आईनी पाकिस्तान के अंदर तब्दीली बहाना है, इमरान खान निशाना है, इमरान खान के लिए सब किया जा रहा है कि उसको अंदर रखा जाए, लेकिन वमकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन एंड अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। ये जो तदबीर करते हैं, ये जो प्लानिंग करते हैं, एक प्लान बनाने वाला वो है और वो बेहतरीन कारसाज है और उसने प्लान बनाया है कि इंशाअल्लाह ताला उसका प्लानिंग है कि आप हक पे रहने वाले बंदे को खराब नहीं कर सकते। आईन की बात करते हैं, हमने आईन पढ़ा, हमें शायद उतने शिके याद, और हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा याद करें, लेकिन जितने शिके हमें याद है और जितना हमने पढ़ा है और अमली जिंदगी में कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट हो सके, वो कॉन्स्टिट्यूशन की असल रूह की शिके हैं। जो शिके हमें पिछले 30 साल से समझाई आ रही हैं, उस आईन के हर शिक के ऊपर पलटाए तो लिखा होगा मिस्टर 10%, मिस्टर 10%, मिस्टर 10%, चोर डाकू लुटेरा खून पसीने की कमाई खाने वाले, ऐसे आईन को हम नहीं मानते। हम आईन को मानेंगे उस आईन को जो कि मुत्तफ़िका तौर पे पास हुआ था, जो पाकिस्तानी अवाम के लिए पास हुआ था, जो कि
इस निजाम को चलाने के लिए पास हुआ था। ये आईन हमें ना समझाए, आईन को इंप्लीमेंट करना था, बुनियादी हुकूक आपने उसमें डाली हुई है, उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और पाकिस्तानी अवाम के लिए उससे कोई फलाह बहबूद निकालें। आप जो इस वक्त 63A को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जो आर्टिकल 8 को रूंढने की कोशिश की जा रही है, जो जजेस के एक्सटेंशन की के लिए गेम डाली जा रही है, जो जजेस के रोटेशन के लिए गेम डाली जा रही है, क्या ये कौम आपको बेवकूफ नजर आ रही है कि इसका क्या मकसद है? आप मौलाना साहब के पास जाते हो, उनको कहते हो हमारी हिमायत करो, हमें वोट दो, और बाबा आपके अपने वज़रा कहते हैं कि अभी तक हमने मुसौदा नहीं पढ़ा। और जो आईन और जमहूरियत के अलमबरदार हैं वो कहते हैं लाहौर में मेरा डीसी लगाओ, ते शेखपुरा में मेरा डीसी लगाओ, ते ननकाना में मेरा डीसी लगाओ, तो हम तुम्हारे साथ गवर्नमेंट में हैं, डीसी नहीं लगाया तो हम तुम्हारा जो है बजट पास नहीं करेंगे। ये तुम लोग की जमहूरियत है? हमें नहीं पता क्या कि वहां पर क्या गुल तुम खिला रहे हो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर? हम इलम नहीं रखते, पता है हमें सारा। जमहूरियत जमहूरियत और आईन आईन कोई नहीं खेल रहे, मफादात की गेम खेल रहे हो। बात की जाती है कि यहां पे स्कूलों का ये हाल है, यहां पे टीचर्स का ये हाल है। ओ बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह जब से तेरी के इंसाफ की हुकूमत आई है, उससे पहले मुआवजना करे पाकिस्तान के बनने से और उसके बाद मुआवजना करे, हेल्थ का मुआवजना करे। मैं अपने हायर एजुकेशन का बताता हूं, 2013 से पहले पाकिस्तान से लेके आज तक सिर्फ 200 कॉलेजेस बने थे और हमारी गवर्नमेंट के अंदर 120 मजीद कॉलेजेस बने हैं। ये है हमारी कारकर्दगी। हाँ, अगर आप कारकर्दगी इनको कहते हैं कि आपके स्कूलों में कुत्ते जो हैं वो पड़े रहें, आपके हॉस्पिटल्स के अंदर जो हैं वो कुत्ते पड़े रहें और वहां पे जो हैं कुत्तों की वैक्सीनेशन तक ना हो कि वो लोगों को काटे, अगर आप इसको कारकर्दगी कहें और इवन असेंबलियों तक कुत्ते पहुंच गए हैं, तो अगर ये अगर आप समझते हैं कि ये कारकर्दगी है तो फिर हमें माफी कर दे, फिर हमारी ऐसी कारकर्दगी हमने नहीं दिखानी। लास्ट बात करना चाहूंगा सर लाहौर के लिए हमारी पुरमन एहतजाज पुरमन रैली थी। ये कहते हैं कि रास्ते बंद नहीं थे, वो तो शुक्र है पता चल गया, मोटरवे के ऊपर भी इन्होंने की थी और फिर जब वहां पे पहुंचे तो हर किलोमीटर के बाद जो है इन्होंने रुकावटें डाली थी, लेकिन उसके बावजूद जो रंगबाज है और अपनी रंगबाजियां दिखा रहे हैं, वो कह रहे थे कि हम आपको अटक से इधर आने नहीं देंगे। तो जब आप धमकी दोगे और आप फिर पठान को धमकी दोगे तो फिर तो आएगा भाई, फिर तो ऐसे रुकेगा नहीं। हम लाहौर पहुंचे, जलसगा पहुंचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसी टाइम जो है उससे पहले खत्म किया था डर की वजह से। इस दफा फिर हमारा एहतजाज था, हम गए, हमारा रास्ता रोका। आप वजीर आला साहब की बात करते हैं कि वो ऐसी बात करते हैं, वो एक मुंतखब वजीर आला है एक सूबे का, आपको गैरत करनी चाहिए उसके ऊपर कि आपके हाउस का वजीर आला को रोका जाता है। क्यों रोका जाता है, किस कानून के तहत? इस्लामाबाद उनका नहीं है, लाहौर उनका नहीं है, ये पाकिस्तान उनका नहीं है, ये किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है। जहां पे चाहेंगे वहां पे जाएंगे, वहां पे जलसा करेंगे, वहां पे रैली करेंगे, वहां पे एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सर मैं उसको कंडेम करता हूं और मैं ये कहता हूं कि तमाम असेंबली को उसको कंडेम करना चाहिए। हम दावत देते हैं, अगर आप यहां पर करना चाहते हैं जलसा करें, हमारी हुकूमत में आपने धरने दिए, बिल्कुल हमने किसी का रास्ता नहीं रोका। कुछ दो हफ्ते पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने और हाफिज हमदुल्ला साहब ने कहा है कि बिल्कुल हमें रास्ते दिए गए, हमें नहीं रोका इमरान खान की हुकूमत ने, हमने क्योंकि हमें पता था कि हम आईन और कानून के अंदर जो है जमहूरी लोग हैं। तो सर इन्हीं दो अशार के ऊपर जो है अपने स्पीच का अख्तिताम करूंगा कि इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगे का,
सजदा खालिक को भी, सजदा खालिक को भी इब्लीस से आना नबी। हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा? और तुम हया व शरीयत के तकाजों की बात करते हो, तुम हया व शरीयत के तकाजों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्मों को मलबूस हया देखा है, देखा है हमने इहराम में लिपटे कई इब्लीस, हमने कई बार मेखाने में खुदा देखा है। बोझ